अच्छा, आज सभी का फिर से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल माय वर्ल्ड मेरी दुनिया में आपका फिर से स्वागत है। ठीक है, आज जो वीडियो मैं लेकर आई हूँ वो वीडियो मेरे छोटी छोटी किड्स यानी कि मेरे प्यारे बच्चों के लिए है, जिन बच्चों को यानी कि नर्सरी किड जी या जो घर में है, अभी तक स्कूल नहीं जा रहे हैं और लॉकडाउन के चलते पढ़ाई भी नहीं हो रही, उनके लिए हैं, क्लास वन क्लास टू से इन सभी बच्चों के लिए हैं। ठीक है, जो साइंस हम हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, उसी साइंस को हिंदी में हम क्या कहते हैं। ठीक है, यानी कि बोध, अभाव और ज्ञान। ठीक है, तो आज जिस विषय में बात करने वाली हूँ वो है हमारी इंद्रिया। ठीक है, इंद्रिया क्या है और हमारे पाँच इंद्रिया जो है वो क्या क्या है। ठीक है बच्चों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मुझे ना यानी कि मेरे पास एक बहुत अच्छा गिफ्ट्स मिला है। मेरी दोस्त ने मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स दिए। ठीक है, उन सभी गिफ्ट्स को ना आपको दिखाऊंगी मैं और आपको दिखाते दिखाते हुए मैं आपको पढ़ा दूँ। ठीक है, तो आप अच्छे से मेरे गिफ्ट्स को देखिएगा, समझिएगा और अच्छे से उसे फॉलो कीजिएगा। ठीक है, शुरू करते मेरे फ्रेंड्स ने मुझे क्या क्या दिया है। एक ये गिफ्ट है, ठीक है, उसने मुझे पैक करके दिया है, देखा। उसके बाद बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, मैं आपको दिखाने वाली हूँ। परफ्यूम, ये क्या है, ब्लूटूथ स्पीकर, यानी कि इसको क्या करते हैं, हम मोबाइल से गाना लगाते हैं और इसमें ऑन करते हैं, ब्लूटूथ का कनेक्शन लगाते हैं और इसमें गाना बजता है। ठीक है, ये है हमारे चॉकलेट्स। चॉकलेट्स है क्या, नहीं, क्या है, हमारे चिप्स, पॉपकॉर्न। ठीक है, जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। और फाइनली ये हमारा क्या है, टेडी बियर। ठीक है, यानी कि ये सारी चीज़ें हमें किसने मिले, मुझे मेरी दोस्त ने ये सारी चीज़ें दिए हैं। तो कैसा लगा आपको ये मेरा टॉल, कितना सॉफ्ट सॉफ्ट, कितना क्यूट क्यूट है, देखा ना आपने। ये सारी चीज़ें ना मुझे मेरी दोस्त ने दिए हैं, आपको कैसा लगा आपको बताओ अभी। ये सारी चीज़ें कैसी लगती है मुझे बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, अब इसी चीज़ों के माध्यम से मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगी इंद्रिया। ठीक है, हमारे ना बच्चे पांच इंद्रिया होते हैं, कितने, पांच, यानी कि फाइव सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई, नोज, ना, ईयर, टंग एंड स्किन। ठीक है, स्किन, ओके, इसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, आँख, नाक, कान, ठीक है, त्वचा, त्वचा और जुबान। ठीक है, ये हमारे क्या है, पांच भाव है। ठीक है, पांच इंद्रियां हैं, इसी इंद्रियों के माध्यम से हम समझते हैं, देखते हैं, सुनते हैं और सोचते भी हैं और उसके बाद उसको हम बोल सकते हैं, है कि नहीं। तो शुरू करें, हमारा ये जो पहला गिफ्ट है ना उसको हम खोलते हैं। ठीक है, इस गिफ्ट को मैं खोलती हूँ, क्या आया है इसमें, वाह, इस गिफ्ट के अंदर इतने सुंदर, वाह, दिखाई दे रहा है आपके, इतना सुंदर चर्चर है। उसके बाद इतने सारे इसमें सीजर है, पेंसिल है, इरेजर है, शार्पनर है, कितना सुंदर है, दिखा आपने। ये मेरी दोस्त ने दिया है, हाँ, इस पेंसिल से मैं लिखूंगी भी। ठीक है, यानी कि ये हमने कैसे दिखा, हमने अपने आँखों से देखा, गिफ्ट को हमने खोला लेकिन नहीं, और किससे देखा, हमने आँखों से देखा। ठीक है, हमारी इंद्रिय का पहला कौन सा है, आँख। ठीक है, आँखों के माध्यम से हम क्या करते हैं, देख सकते हैं, जो चीज़ हमें मिलते हैं या जो चीज़ हमें दिया जाता है या जो चीज़ हमारे सामने होते हैं उसको हम किसके माध्यम से देखते हैं, आँखों के माध्यम से। ठीक है, दूसरा गिफ्ट क्या है, दूसरा गिफ्ट है मेरा परफ्यूम। आपको पता है परफ्यूम क्यों, आप क्या करते हैं, परफ्यूम ना हम लगाते हैं, ठीक है, बॉडी पे लगाते हैं कि नहीं, बॉडी पार्ट्स पे लगाते हैं ताकि अच्छा अच्छा हमें स्मेल मिले। ठीक है, तो परफ्यूम को हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, परफ्यूम को हम खोलते हैं, कैसा लगा देखते हैं। ठीक है, खोलने के बाद वाह, उसको हम ऐसे करते हैं, वाह कितना सुंदर स्मेल, कितना सुंदर गंध निकला, दिखा आपने सुगंध कितना अच्छा है इसका, दिखा आपने। तो परफ्यूम को हम कैसे क्या करते हैं, नाक से सूंघते हैं। ठीक है, यानी कि हमारा दूसरा भाव है जो है इंद्रियों का, वो है हमारा नाक। ठीक है, हम नाक से क्या कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, फूलों का सुगंध भी तो हम लेते हैं।
ठीक है, और कहीं कुछ पका हो वो भी हम हाँ नाक से सुनते हैं, है कि नहीं। और देखना मम्मी अगर कभी कभी चिकन बनाती हो या मटन बनाती हो, हम घर बैठे बैठे बोल देते कि मम्मी आज आपने वो बनाया ना कैसे, हमने अपने नाक से वो सुना, ठीक है। उसके बाद हमें ज्ञात हुआ या बोध हुआ कि मम्मी कुछ बना रही, ठीक है। ये हमारा था दूसरा, ठीक है। तीसरा है मेरा सबके बच्चों का फेवरेट, सॉरी चॉकलेट नहीं है, मुझे मेरी फ्रेंड ने चॉकलेट नहीं दिया है, ठीक है। मुझे मेरी फ्रेंड ने क्या दिया है, पॉपकॉर्न एंड वाओ मूंग दाल की भाजी वाला पैकेट, कितना टेस्टी होता है पता है। ये मेरी फेवरेट है इसलिए मेरी फ्रेंड ने मुझे ये दिया है, पता है ये कैसा लगता है, ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। इसको मैंने आपको खोल दिया। खोलने के बाद मैंने इसको क्या किया, इसमें हाउ मच टेस्टी, मैं आपको बता नहीं सकती इतनी टेस्टी हैं, बहुत टेस्टी। आप लोग भी खाया कीजिए, ठीक है, बहुत टेस्टी हैं, चॉकलेट्स की तरह ही है। जैसे आपको चॉकलेट पसंद है ना, ठीक उसी तरह मुझे भी ये मूंग दाल की भाजी बहुत पसंद है और पॉपकॉर्न भी बहुत पसंद है। तो ये क्या किया मैंने, खाया है, कैसे खाया, अपने मुँह से, ठीक है। अब खाने के बाद मुझे क्या रियलाइज़ हुआ, मैंने क्या बोला आपको, बहुत टेस्टी हुआ, वो मुझे कैसे पता चला, मेरी टंग यानी कि मेरी जुबान के माध्यम से ना, यानी कि हमारा जो हिस्सा वो कौन सा है, जुबान। जुबान से हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट फील कर सकते हैं, कि नहीं। आप क्या करते कभी मम्मी अगर मान लो आपको तीखा पसंद नहीं हो, मम्मी ने आपको तीखा खिला दिया, अब हाय बाबा मम्मी मेरे मुँह में क्या हो गया तीखा लगा, तो आपको कैसे पता चलेगा, आपके आपको जुबान आपका बोध करवाएगा ना, आपको जुबान के माध्यम से पता चलेगा कि वो तीखा है या मीठा है या कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है, वो हमें कैसे पता चलेगा, हमारी जुबान के माध्यम से, ठीक है। और चौथा हमारा क्या है, ये चौथा मेरा गिफ्ट क्या है, ब्लूटूथ, दिखा आपने, मैंने इसको ऑन कर दिया है। इसमें क्या बनता है, गाना कैसे बजता है मैं बताती हूँ। इसको मैंने ब्लूटूथ से कनेक्शन कर दिया मोबाइल में ना, उसके बाद मैंने क्या किया, देखा हो गया। अब मैं इसको क्या करूँगी, एक आपको गाना बजाती हूँ, ठीक है, मेरे ही फेवरेट गाना आपको सुनाती हूँ, ठीक है, ओके। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, ये क्या कर रहा है, समझ आया, ये क्या कर रहा है, इसमें गाना बज रहा है, और गाना बज रहा है हमें कैसे पता चला, हमें अपने कान के माध्यम से पता चला, ठीक है। यानी कि इंद्रिय का चौथा भाग जो है वो हमारा क्या है, कान। कान के माध्यम से क्या करते हैं, हम सुनते हैं, सुनने का बोध होता है, ठीक है। यानी कि कहीं गाना बज रहा हो, कोई हमें पुकार रहा हो, या टीचर हमें डांट रही हो, या टीचर हमें प्यार कर रही हो, प्यार से बुला रही है, नक्शा इधर आ जाओ, ठीक है, या रजित लचित इधर आ जाओ, तो क्या करती है, टीचर्स इसको पुकारती हैं, और आप क्या करते हो, सुनते हो, कैसे सुनते हो, अपने यार यानी कि कान के माध्यम से, ठीक है। और पांचवा गिफ्ट मेरा क्या था, हाँ पांचवा गिफ्ट था मेरा डॉल, यानी कि मेरा टेडी बियर, कितना क्यूट है, देखा ना आपने, बहुत सोचा ना, मुझे भी ना टेडी बियर बहुत पसंद है, आप ही की तरह। इसको क्या किया मैंने, टच किया ना, वाह कितनी सॉफ्ट है, इसको मैंने जब पकड़ा ना, इतना सॉफ्ट है यार, आप लोग भी ना उसको ऐसे ही टच किया करो, मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छा लगता है ना टच करते हुए, बहुत फेवरेट है पता है। तो हमने इसको कैसे समझा कि इतना मुलायम है, अपनी स्किन यानी कि अपनी त्वचा से ना, अपनी स्किन के साथ उसको मिलाया, ऐसे यू किया, उसके बाद हमें पता चला कि ये कितनी क्यूट और कितनी मुलायम और कितनी ज़्यादा उसकी त्वचा मुलायम है कि नहीं, हमें कैसे पता चला, अपनी त्वचा के माध्यम से, ठीक है, समझ आया। तो हमारे ये सारे जो थे, ये पांच हमारे ऑर्गन्स थे, यानी कि पांच भाव थे हमारे, हिंदी के इंद्रिया थे, ठीक है, हिंदी में, जैसे हाँ अंग्रेजी में फाइव सेंस कहते हैं, फाइव सेंस क्या होता है, आई नोज यार टंग एंड स्किन, ठीक है, ठीक उसी तरह हम हिंदी में क्या कहते हैं, आँख नाक कान जुबान और स्किन यानी कि त्वचा, ठीक है। ये थे हमारे पांच इंद्रियां। बच्चों आपको कैसा लगा,
आप अच्छे से मुझे बताइएगा, अगर नहीं समझ में आया आप मुझे फिर से बोलिएगा, मैं आपको फिर से समझा के दूंगी, ठीक है। आप इसको घर में अच्छे से देखिएगा, और जैसे मैंने कुछ कुछ चीज़ों का ना मैंने समझा है, बोध किया है, मुझे ज्ञात है, आप लोग भी उसी तरह इसको घर में सोच कर देखिएगा कैसा लगता है आपको, ठीक है। ओके, बाय बाय।